भारत आस्था और विश्वास का देश है। हिंदू धर्म में मंदिर और पूजन का विशेष महत्व माना गया है। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो सिर्फ मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं बल्कि अपनी किसी अनोखी या चमत्कारिक विशेषता के कारण भी जाने जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के कुछ ऐसे ही प्राचीन मंदिरों के बारे में जिनसे जुड़ी चमत्कारिक बातों को कोई माने या न माने, लेकिन इनकी खास विशेषताएँ किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। भगवान के इन चमत्कारों को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। नंबर एक, काल भैरव मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर काल भैरव मंदिर है। यहाँ भगवान काल भैरव को प्रसाद के तौर पर केवल शराब ही चढ़ाई जाती है। शराब के भरे प्याले काल भैरव की मूर्ति के मुँह से लगाने पर वह देखते ही देखते खाली हो जाते हैं। मंदिर के बाहर भगवान काल भैरव को चढ़ाने के लिए देसी शराब की दुकानें हैं। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था। इस बात से भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और उनके नेत्रों से काल भैरव प्रकट हुए। क्रोधित काल भैरव ने भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, जिसकी वजह से उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप को दूर करने के लिए वह अनेक स्थानों पर गए, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। तब भैरव ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने भैरव को बताया कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर ओखर शमशान के पास तपस्या करने से उन्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी, तभी से यहाँ काल भैरव की पूजा हो रही है। कालांतर में यह एक बड़ा मंदिर बन गया है। कहा जाता है मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने करवाया था। नंबर दो, मेहंदीपुर बालाजी। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर श्री हनुमान का बहुत जागृत स्थान माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में विराजित श्री बालाजी अपनी दैवीय शक्ति से बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाते हैं। मंदिर में हजारों भूत पिशाच से त्रस्त लोग रोज दर्शन और प्रार्थना के लिए आते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग संकट बाला कहते हैं। भूत बाधा से पीड़ित के लिए यह मंदिर अपने ही घर के समान हो जाता है और श्री बालाजी ही उसकी अंतिम उम्मीद होते हैं। यहाँ कई लोगों को जंजीर से बंधा और उल्टा लटके देखा जा सकता है। यह मंदिर और इससे जुड़े चमत्कार देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। शाम के समय जब बालाजी की आरती होती है तो भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को जूझते देखा जा सकता है और आरती के बाद लोग मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं। वहाँ के पुरोहित कुछ उपाय करते हैं और कहा जाता है इसके बाद पीड़ित स्वस्थ हो जाता है। नंबर तीन, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। कई पुराणों में इस तीर्थ के बारे में बताया गया है। महिसागर संगम तीर्थ की पावन भूमि पर भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे श्री स्तंभेश्वर महादेव कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। यह स्तंभेश्वर तीर्थ गुजरात के भरूच जिला के जम्बूसर तहसील में कावी कम्बोई समुद्र तट पर है। मंदिर की विशेषता यह है कि समुद्र दिन में 2 बार श्री स्तंभेश्वर शिवलिंग का स्वयं अभिषेक करता है। समुद्र का पानी बढ़ने पर मंदिर पानी में डूब जाता है और थोड़ी ही देर में पानी उतर भी जाता है। नंबर चार, तवानी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से 25 किलोमीटर दूर तवानी मंदिर स्थित है। धर्मशाला को गर्म पानी के झरने और कुंडों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर के बाहर एक गर्म पानी का कुंड है। इस कुंड में स्नान के बाद कोई भी दर्शनार्थी मंदिर में प्रवेश कर सकता है। इस कुंड में पानी गर्म कैसे होता है, यह बात आज तक रहस्य बनी हुई है। माना जाता है कि इस पानी में शरीर के लिए लाभदायक तत्व मौजूद हैं। नंबर पाँच, करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर राजस्थान के बीकानेर से कुछ दूरी पर देशनोक नामक स्थान पर है। यह स्थान मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ भक्तों से ज़्यादा काले चूहे नजर आते हैं। इनके बीच अगर कोई सफ़ेद चूहा दिख जाए तो समझे कि मनोकामना पूरी हो जाएगी, यही यहाँ की मान्यता है। इस चूहे को काबा कहा जाता है। चूहे को भक्त दूध लड्डू आदि देते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि असंख्य चूहों से पटे मंदिर से बाहर कदम रखते ही एक भी चूहा नज़र नहीं आता। इस मंदिर के भीतर कभी बिल्ली प्रवेश नहीं करती। कहा तो यह भी जाता है कि जब प्लेग जैसी बीमारी ने अपना आतंक दिखाया था तब यह मंदिर ही नहीं बल्कि पूरा इलाका इस बीमारी से महफूज था। नंबर छः,
ज्वाला देवी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच बसा है ज्वाला देवी का मंदिर। शास्त्रों के अनुसार यहाँ सती की जीवा गिरी थी। मान्यता है कि सभी शक्तिपीठों में देवी हमेशा निवास करती है। शक्तिपीठ में माता की आराधना करने से माता जल्दी प्रसन्न होती है। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से नौ ज्वालाएं जल रही हैं। नौ ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला चांदी की ज्वाला के बीच स्थित है, उसे महाकाली कहते हैं। अन्य आठ ज्वालाओं के रूप में माँ अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका एवं अंजी देवी ज्वाला देवी मंदिर में निवास करती हैं। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने ज्वाला देवी की शक्ति का अनादर किया और माँ की प्राकृतिक ज्वालाओं को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने प्रयास में असफल रहा। अकबर को जब ज्वाला देवी की शक्ति का आभास हुआ तो क्षमा मांगने के लिए उसने ज्वाला देवी को सोने का छत्र भी चढ़ाया था। नंबर 7, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। कामाख्या शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा, उसी स्थल पर कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर के तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं। माना जाता है कि साल भर में एक बार अंबुबाची मेले के दौरान माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं और इन 3 दिनों में योनिकुंड से जल प्रवाह की जगह पर रक्त प्रवाह होता है, इसलिए अंबुबाची मेले को कामरूपों का कुंभ कहा जाता है। दोस्तों, ये थे भारत के मंदिर जिनके रहस्य हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन जब बात आस्था की आती है तो हम इसे भगवान का चमत्कार ही कहेंगे। इसके अलावा इनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आपको भी इन मंदिरों में दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए और अगर वीडियो पसंद आए शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर मिलता हूँ एक और ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।